अगर आपने गौर किया हो कभी श्रीदेवी की बेटियों की खूबसूरती पर, तो श्रीदेवी की बेटियां उतनी ही खूबसूरत और मासूम हैं जितनी सुंदर कभी इस जमाने में खुद श्रीदेवी हुआ करती थी। आज हम आपको इस रिपोर्ट में बता दें, श्रीदेवी के जाने के बाद श्रीदेवी की दोनों ही बेटियां किस तरह से अपनी माँ के रोशन हुए नाम को हमेशा बनाकर रखने के लिए अपनी तरफ से जी जान लगा रही। एक तरफ जानवी कपूर अपने पहले फिल्म धड़क को लेकर पूरी तरह से तैयार, तो दूसरी तरफ खुशी कपूर मॉडलिंग के लिए किस तरह से खुद को फिट रखने के साथ बेहद ही खूबसूरत बनाने में जुड़ी हुई है। वहीं अपनी फैमिली के फिल्मी अंदाज को फॉलो करते हुए जानवी खुशी, जो हाल ही में लंदन में नजर आई सोनम कपूर, अंशुला कपूर, रेहा कपूर के साथ एंजॉय करते हुए सभी सिबलिंग्स के बीच जो प्यार दिखा, वो एक ही तरफ कर रहा था इशारा कि श्रीदेवी की जाने के बाद उनकी बेटियों को कभी अकेला ना महसूस हो, इसलिए अब सोनम कपूर भी अपनी आंटी श्रीदेवी की बेटियों की जिम्मेदारी ले ली। हम आपको याद दिला दे, श्रीदेवी जो अपने 48 घंटों में अपनी बेटियों से दूर, आखिरी दिनों के उन दो दिनों के बीच उन घंटों में श्रीदेवी अपनी दोनों बेटियों को किस तरह याद कर तड़पी होगी, इस बारे में अंदाजा लगाना नामुमकिन है। जी हाँ, हमेशा ही अपनी बेटियों के साथ हर इवेंट फंक्शन में शिरकत करने वाली श्रीदेवी के आखिरी 48 घंटे उनकी बेटियों के बिना अधूरे थे। गौर हो, जानवी कपूर ने श्रीदेवी के बारे में ये बात स्वीकार की थी कि उनकी माँ को भूलने की आदत, ऐसी खबरें आई थी जिसकी वजह से ये भी कयास लगाए गए थे कि आखिरी दिनों में श्रीदेवी जो कुछ दवाइयां भी लिया करती थी वो भी समय से लेना भूल गई, जिसकी वजह से उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ तो पहले ही गई। वैसे उस वक्त बोनी कपूर भी उनके साथ मौजूद नहीं थे जब उनके साथ आखिरी दिनों में उन्हें कोई साथ चाहिए था, लेकिन श्रीदेवी जिन्होंने 24 फरवरी की रात इस दुनिया को अलविदा कहा, उस दिन ही अचानक बोनी कपूर शाम में उनके पास बिन बताए ही पहुंचे थे, जिसके बाद बोनी कपूर ने उन्हें सरप्राइज डिनर पार्टी के लिए तैयार होने के लिए कहा था। अफसोस, श्रीदेवी तैयार होने की खुशियों में जब बाथरूम में नहाने गई, वहां एक ऐसा हादसा हुआ जिसके बाद वो अपनी जिंदगी खो बैठी। श्रीदेवी की उस दर्द को अंदाजा लगाना, जी हाँ, महसूस करना नामुमकिन। बोनी कपूर के लिए वो भूल साबित हुई जिन्होंने अपनी पत्नी को तैयार होने के लिए बाथरूम भेजा था, जिसके बाद वो दोबारा बाथरूम से जिंदा नहीं लौटी। उस वक्त उनके साथ क्या हुआ हमेशा के लिए सवाल रहेगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रिपोर्ट।